अनदर एपिसोड ऑफ फॉसिल हेड। सो आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी अलग, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बड़ी स्पेशल बाइक देखने के लिए, नॉट देखने के लिए, सिर्फ चलाने के लिए, फील करने के लिए, तुम्हें दिखाने के लिए। गेस करके बताना तुम कौन सी बाइक है। वैसे अगर तुम वीडियो क्लिक कर चुके तो तुम्हें पता लग ही होगी कौन सी बाइक है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। अभी निकल चुके हैं घर से, टाइम हो गया काफी ज्यादा, वो वहाँ पर वेट कर रहा है हमारा। हम आए थे फ्यूल फिल कराने के लिए क्योंकि बाइक हो गई थी बिल्कुल एम्प्टी, तो अभी आधा टैंक भरवाया है, बाकी भरवाएंगे बाद में क्योंकि थोड़ी सी जल्दी थी, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही थी। पेट्रोल पंप वाले क्या हाल करते हैं पेट्रोल डालते हुए बाइक्स में, मेरे उसे नाना कहते भी उसने सारी पे पेट्रोल गिरा दिया है। तो इसे करेंगे रिप्लेस, इसका पार्ट मैं ला चुका हूँ, तुम्हें दिख जाएगा अगली वीडियो में। ये वाला पीस हम रिप्लेस करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी 2018 डोमिनार है या फिर कोई सी भी डोमिनार है और तुम्हें पार्ट्स ऐसे छोटे मोटे पार्ट्स चेंज करने हैं, आई गेस वो तुम खुद कर सकते हो, बहुत सारे पैसे बचा सकते हो और बाइक को फिर भी नए जैसा लुक दे सकते हो, सेम एज इट केम फ्रॉम द शोरूम। यस, तो जल्दी से निकलते हैं हाईवे पे, हाईवे पे मिलते हैं तुम सिर्फ सीधा। What the fuck? हमेशा गाय भैंसे रोड पे, कोई सा भी जानवर हो हमेशा रोड पे देख के चलो क्योंकि प्रिडिक्टेबल नहीं है। बस जीटी के पीछे चलने का एक यही नुकसान है, ये पत्थर इतने फेंकती है बहुत ज्यादा। अब होगी फुल ऑफ रोडिंग बाजी। डोमी की आवाज तुमने सुनी कितनी प्यारी आ रही है, सस्ती इनलाइन गाइस, सस्ती इनलाइन। सेक्सी सेक्सी आवाज करती है भाई ये बाइक, सेक्सी आवाज एकदम। सो हेयर आर द ब्यूटीज गाइस, तुम्हें दिख रही होंगी सेक्सी सेक्सी। ये जाती हुई प्यारी सी बीस्ट अपनी आज बनाएंगे इस पे, एंड फुल लहराईबाजी चल रही है दबा के। सबकी बाइकों में एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, सिर्फ मेरी में नहीं है। रुक के एक बार ये अच्छे से दिखाएंगे, अभी जा रहे हैं थोड़ी सी शांत सी लोकेशन पे जहाँ पर थोड़ी, जहाँ पे थोड़ी सी कम भीड़ हो, जहाँ पे हम आराम से रिलैक्सली सारी चीज़ें बना पाएं, क्योंकि यहाँ भीड़ भड़क के में बनाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। बाइक फुली कार्बन जैसी लगती है मगर कार्बन नहीं है। पास से रुक के तो मैं दिखाऊंगा क्या है, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें करा रखी हैं, बड़ी प्यारी सी मॉडिफिकेशन करा रखी हैं। देखने में बाइक इतनी ज़्यादा सेक्सी लग रही है। ये जाता हुआ मैक्स पेस एंड 310 पता नहीं कहाँ पर है, ये जाती है एक और 310 एंड दूसरी वाली कहाँ है, इस पर सूरज अलग से रिफ्लेक्ट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा कार्बन लग रहा है। क्रूज कंट्रोल लगा रखा है क्रूज कंट्रोल लगा रखा है प्रॉपर, मस्त क्रूज करते हुए जा रहे हैं।
हियर वी आर, ये रही हमारी 310R, तुम्हें देख रहा होगा, फुली कस्टम रैप करवा रखी है भाई ने, कार्बन में करा रखी है, बड़ा प्यारा लग रहा है, लिक्विड कार्बन कहते हैं इसे, एंड तुम देख सकते हो कितना ज्यादा प्यारा व्यू दे रही है, बहुत ही ज्यादा, बड़ी प्रीमियम व्हील है, सिटिंग पोस्चर डोमिनार से बहुत ज्यादा अलग है, हाइट बहुत ज्यादा लो है एज कम्पेयर टू डोमिनार, ओवरऑल बाइक देखा जाए पावर में अराउंड 33 BHP है, पावर स्पेक्स में मैं इतना वो हूँ नहीं अभी श्योर, तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा यहीं पे, तुम्हें दिखाई दे जाएगा कि पावर स्पेक क्या है बाइक के एग्जैक्टली। बाइक में बहुत चीजें मॉडिफाई करा रखी है, फुली डेक्ड आउट बाइक बना रखी है। सबसे पहली चीज जो तुम्हें दिख रही होगी वो है आगे हेलोजन्स, राइट, इसमें हेलोजन लगा रखी है प्रॉपर पूरी की पूरी, एंड नेक्स्ट थिंग जो नोटिसेबल होगी वो है आवाज इसकी। एक बार खड़े होके वॉक अराउंड दूंगा तुम्हें पूरी बाइक का, अच्छे से बताते हैं क्या क्या चीजें लगी हैं, मगर उससे पहले थोड़ा सा पुल लेके देखते हैं बाइक से, एक बार भगा के देखते हैं बाइक क्या फील दे रही है, कैसी फील दे रही है। बाइक की ब्रेकिंग डिसेंट है, नॉट दैट डिफरेंट, सेम डोमिनार वाली ब्रेकिंग है, नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड, एंड पीछे वाला पार्ट इसका स्लिप होता हुआ फील हो रहा है अलग से ही, या तो इस पे जो मिशेलिन लगे हुए हैं उनकी ग्रिप अच्छी नहीं है या तो कुछ और, मगर टायर बहुत ज़्यादा लूज है, बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो इसका ABS किक इन कर रहा है या नहीं कर रहा है, मगर उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है इसका ABS जितना इफेक्टिवली काम करना चाहिए, बहुत लेट किक इन कर रहा है, बहुत ही ज्यादा। इसमें एक और चीज स्पेशल करा रखी है इन्होंने, तुम्हें दिख रहा होगा ये रेड लाइन से पास बियॉन्ड तक जा रही है, ध्यान से देखो रेड लाइन इसकी 10 है मगर ये 10:30-11 तक जा रही है, इन्होंने अपने ECU को रीमैप करवाया हुआ है। पीछे की ब्रेकिंग बहुत ज्यादा अजीब है, समथिंग विच आई डोंट लाइक पर्सनली, मज़ा सा नहीं आया इतना जिस हिसाब से आना चाहिए इसकी ब्रेकिंग में, इतने पैसे लगाने के बाद ब्रेकिंग थोड़ी ज़्यादा सेक्सी होनी चाहिए थी मगर है नहीं। एक बार ही रुक के तुम्हें दिखाते हैं बाइक कि बाइक कितनी मैनेसिंग है, कैमरे पे स्विच ऑन दिखाते हैं तुम्हें फिर शॉर्ट्स इसके। तो आप देख रही होगी तुम्हें अच्छे से बाइक पूरी फुली कस्टम कार्बन करवा रखी है, रैप एम स्टाइल में रैपिंग हो रखी है, पूरा फ्रेम रेड कलर का है और रैप के एक्सेंट्स भी उसी के हिसाब से जा रहे हैं। अब तुम नीचे देख सकते हो अलॉयज तुम्हें दिख रहे होंगे, कार्बन है बट ऐसा नहीं है, ये कार्बन नहीं है एक्चुअली, ये कार्बन डिप्ड है, दोनों के दोनों आगे वाले और पीछे वाले दोनों के दोनों अलॉयज कार्बन डिप्ड है। एंड जो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा था आवाज, वो आवाज़ है इस चीज़ की, तुम्हें एक्रा का एग्जॉस्ट दिख रहा होगा इसमें लगा हुआ, ये एक्रा का ओरिजिनल एग्जॉस्ट है और जो इसमें बेंड पाइप है वो भी एक्रा का ही है। बाइक को ओवरऑल पीछे से दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल सन के टाइम है तो बाइक अलग ही चमक रही है, कितनी ज्यादा मैनेसिंग लग रही है, बहुत ही ज्यादा सन रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइक का ओवरऑल लुक देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इस पे जो रैप की डिजाइनिंग करी है इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्यारी करी है, एंड आगे के जो अपसाइड डाउन फोक्स हैं वो गोल्डन में, बेंड पाइप यहाँ से होता हुआ जा रहा है एंड ये रहा बेंड पाइप का पार्ट आगे हेडर पे जाके लग रहा है, ये पूरा कस्टम एक्रा का ओरिजिनल एग्जॉस्ट सिस्टम है इसमें लगा हुआ पूरा, एंड ECU ट्यूनिंग भी करा रखी है इन्होंने उसके साथ ही साथ बाइक में, तो तुम्हें आगे दिखाई दे रहा होगा आगे से कितना प्यारा लुक दे रही है। दो चीजें लगी हुई हैं, हेलोजन लाइट्स हैं इसकी आगे की, अभी आगे से दिखाता हूँ मैं तुम्हें, अभी सिर्फ मेन लाइट जल रही है बाइक का, आगे से फ्रंट प्रोफाइल देखो फुली कार्बन लगती है देखने में, कितनी ज्यादा प्यारी लगती है। अब अगर हम यही चीज आगे ऑन कर दें तो थोड़ा सा पर्सनली मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा है, तो एक बार बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जैसा मैंने तुम्हें बताया इसमें फुल कस्टम एक्रा का एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है, ECU रीमैप डेस्क का, तो एक बार ये स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा आइडल लेती है, मैं देख रहा हूँ अब आइडलिंग हो रही है, हाई RPM पे आइडलिंग हो रही है इसकी काफ़ी ज़्यादा, एंड तुम देख सकते हो यहाँ पे भी तुम्हें दिख जाएगा अराउंड 2,500 RPM पे रेव कर रही है ये, अभी थोड़ी देर बाद अपने आप ECU एडजस्ट करके RPM सेट कर देगा, देखो अब ये क्वाइट हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है, इन्होंने मुझे बताया था कि ये बाइक को लेके बहुत बारी डेली में भी ऐसे घूमते रहते हैं एंड वहाँ पर भी इनका चलान नहीं कटा है क्योंकि आई गेस फैक्ट्री इशूड है या फिर कुछ है, इन्होंने फैक्ट्री से ही लगवाए थे तो इनका अब तक तो कोई चलान हुआ नहीं है। पर्सनली मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ सिंगल सिलेंडर बाइक पे एग्जॉस्ट का, तुम बताना कमेंट करके तुम्हें कैसी आवाज़ लगती है, थोड़ी ज़्यादा चुभने वाली आवाज़ है इसकी, मगर बाइक का लुक सबसे ज़्यादा सेक्सी और सबसे प्यारी मॉडिफाइड BMW 310R दिखी है मुझे आज तक की, इसे देख के मेरा भी मन कर रहा है कि हाँ भाई ऐसी वाली BMW हो तो कौन ना चलाए यार,
310 ही सही भले ही, मगर ये 310 किसी एंगल से नहीं लग रही है, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है सुपर बाइक को टक्कर दे रही हो। तुम आगे इसकी हेडलाइट तक देख सकते हो, हेडलाइट तक इन्होंने रैप करा रखी है पूरी कार्बन में। कुछ पार्ट्स हैं इसमें जो ओरिजिनल कार्बन के पार्ट्स हैं, जैसे ये सेंटर वाला पार्ट है, ये ओरिजिनल कार्बन है। तुम्हें दिख रहा होगा वी वाला है, डिफरेंट है बिल्कुल इससे। तो ये ओरिजिनल कार्बन पार्ट है, ये रैप है कार्बन का, ये भी इसमें तुम्हें दिख रहा होगा, ये अलग वीव है और ये अलग वीव है। तो ये ओरिजिनल कार्बन है और ये कार्बन कॉपी है, मतलब एक तरीके से रैप है। दो तीन चीजें हैं जो इन्होंने और ऑर्डर करी हैं, फुली कार्बन बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस बाइक को। तो एक ये कार्बन के लिए ऑर्डर हो चुका है और ये वाला पार्ट भी कार्बन के लिए ऑर्डर हो चुका है। एक बार ये दोबारा बनाएंगे जब ये फुली कार्बन हो जाएगी एकदम। पर लास्ट लुक लेते हैं, बड़ा प्यारा सा मेनेसिंग। फिर दोबारा गोप्रो पे मिलते हैं तुमसे, थोड़ा सा भागे देखेंगे बाइक को कि कैसी भागती है, कितना मजा आता है भगाने में इसे। दिस पपी लुक्स नाइस। अब चलते हैं एक बारी जल्दी से, थोड़ा सा भगा के देखते हैं इसे, क्योंकि अंधेरा सा होने लगा है। लाइट बड़ी प्यारी हो रही है, अभी तुम्हें दिख रहा होगा सन किस टाइम है, बिल्कुल प्रॉपर सन किस टाइम है। तो जिनके बाइक है उनका इंस्टाग्राम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, उनकी शक्ल भी लगा दूंगा, जाके देखना एक बारी उनका इंस्टा। अगर तुम्हें ये प्यारी सी सेक्सी सी BMW के और फोटोज और वीडियोज देखनी है तो गो चेक आउट हिज इंस्टाग्राम। अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। RPM पे आवाज अच्छी है, थोड़ी बेसी हो जाती है, मगर जैसे ही इसे रेव करते हैं R15 वाली याद दिला रही है मुझे ये, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, मगर नॉनदलेस मुझे ये भी नहीं पता तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी अच्छे से या नहीं दे रही होगी ओवर दिस एग्जॉस्ट। स्पीड जो हम रीच कर पाए हैं इस रोड पे, देखो टॉप एंड बाइक का थोड़ा ज्यादा वीक है, हाई RPM से बिल्कुल डेड है, पावर रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतने पैसे में तुम बताना मुझे वुड यू गो फॉर डोमिनार और वुड यू गो फॉर दिस। देखो प्रीमियमनेस के मामले में भाई इससे ज्यादा प्रीमियम नहीं है डोमिनार, इसकी जो प्रीमियमनेस है वो डोमिनार की नहीं है। बाकी अगर वैल्यू फॉर मनी देखा जाए, अगर पावर फॉर मनी देखा जाए, उस आउटपुट में डोमिनार बीट्स दिस वन बहुत आराम से। जो एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं वो जा रहे हैं इस लोगो के। सो फाइनली आ गए हम अपनी बाइक पे, अपनी डोमी पे। सो अब मुझे कमेंट करके तुम ये बताना कि क्या तुम देखना चाहते हो, दिस वर्सेस दैट। तो आज की वीडियो बस अब करते हैं कंक्लूड यहीं पे। होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर तुम वीडियो को लाइक जरूर करते हो, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलेंगे तुमसे अगली वीडियो में, टिल देन गाइस टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।